मैं रविराज, आज हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 को लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइन ए एंड बी इज डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ द डिवीजन। देखिए ये जो क्वेश्चन जो है, जो प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न 4 नंबर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बट इसमें जो डिवाइड पॉइंट जो दिया गया है वो हमारा जो एक्स एक्सिस बोल दिया गया है कि डिवाइड पॉइंट जो मेरा था, जो जैसे ये बीच वाला जो डिवाइड पॉइंट है वो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसके लिए हम दिमाग क्या लगा रहे हैं कि मान के लिए कि लेट लाइन सेगमेंट ज्वाइन पॉइंट ए एंड बी, जैसे कोई लाइन सेगमेंट है ए है और ये क्या है बी है, और इसी का बीच में एक पॉइंट हमने ले लिया पी। ए का वैल्यू हमारा है 1 और -5, अब बी का है -4 और 5, अब पी को बोला है कि ये एक्स एक्सिस है, क्या है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है कि वाई का वैल्यू 0 होता है और एक्स का वैल्यू 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ होगा, वो जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस में वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, इसलिए पॉइंट पी को हम क्या लिख सकते हैं एक्स और 0। यहीं पे वाई एक्सिस दिया रहता तो हम लिखते जी, मतलब क्या लिखते हैं 0 और y। अब हमें पता क्या करना है m1 और m2, और यहाँ पे जो x जो हमारा कोऑर्डिनेट है इसको भी हमें फाइंड करना है, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें पता है कि वी नो दैट यहाँ पे y का वैल्यू 0 दिया हुआ है और x1 1 x2 -4, y0 y1 -5, y2 5, इजी है, x1 y1 x0 y1 x1 x2 और y2। अब देखिए इसके इसके हेल्प से हम सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे y इक्वल टू m1 x2 m2, y लिए तो y2 लिखेंगे y1 by m1 plus m2। अब देखो y का वैल्यू क्या है 0 है, m1 पता नहीं है, y2 हमारा 5 है और m2 जो है नहीं पता है, y1 हमारा माइनस m1 प्लस m2 ये भी हमें पता नहीं है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान देते हैं, ये जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम थिंग हो जाएगा माइनस m2। अब चाहे तो ये माइनस m2 को हम LHS में ला देंगे तो प्लस m2 हो जाएगा और 5 m1 बाई m2, ये m2 इधर गया तो 5 by 5, मतलब 1 by 1, मतलब m1 और m2 का जो हमारा डिवाइडेड पॉइंट था क्या था 1:1, ये हमें डिवाइडेड पॉइंट्स निकल गया। लेकिन एक चीज़ बाकी है, हमारा कोऑर्डिनेट जो है x, इसको भी निकाला जा सकता है। अब हमें m1 और m2 का वैल्यू हमारा सेम आ गया तो x बराबर हम यूज कर सकते हैं x1 plus x2 by 2। x बराबर x1 plus x2 by 2 वैन कब, जब हमारा m1 और m2 का वैल्यू क्या हो जाए सेम हो जाए। तो यहाँ में m1 और m2 का वैल्यू 1:1 में आ गया, तो x का वैल्यू पता नहीं है लेकिन x1 का पता है कितना है 1 और x2 का 4 by 2, x बराबर क्या लिख सकते हैं -3 by 2। हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और